हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ एक बाइक लेने के लिए। तो दोस्तों, मुझे बाइक लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा 2008 में मेरे पापा एक बाइक खरीदे हुए थे जो कि था हीरो का पैशन प्लस। तो अभी जो है वो बाइक एकदम से खटारा हो चुका है, मतलब चलाने लायक है ही नहीं, मतलब एक बेइज्जती से लगती है कहीं ले जाने के लिए। देखने में भी बहुत ही खराब है, उसका सारा कुछ टूट चुका है, इंडिकेटर ये सब। तो मैंने जो है मेरे मन में एक इच्छा जाग गया कि चलो बाइक भी ले लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत कहीं कहीं जाना भी पड़ता है, फिर मतलब काम तो पड़ता ही है, कहीं ना कहीं जाना आना होता है। तो एक अच्छा बाइक जरूरी होता है किसी के भी घर में। तो मैं दोस्तों अभी जा रहा हूँ, मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर पे एक TVS का शोरूम है, वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ से मैं ले रहा हूँ दोस्तों एक अच्छा बाइक लेने के लिए सोचा हूँ। और मेरा जो है चॉइस था शुरू से अपाची 160, जो कि है एक न्यू एडिशन में आया हुआ है, व्हाइट कलर का है एंड इसमें रेड रेडियम का है बीट लगा हुआ है। तो वही बाइक मैंने लेने के लिए जो है सोचा हुआ है। तो चलिए चलूंगा अभी शोरूम और देखते हैं उसका क्या प्राइस पड़ता है, क्या है और क्या क्या होता है, और मतलब पूरा शोरूम का नजारा, आप लोगों को पूरा बाइक खरीदने का प्रोसेस सब कुछ मैं इस वीडियो पर दिखाऊंगा। तो ब्लॉग को एंजॉय कीजिए आप लोग, मुझे आई थिंक आप लोग को मजा ही आने वाला है। और मेरे साथ जा रहा है मेरा फ्रेंड संजय। तो ये जो है मेरा फ्रेंड है, कैसे फ्रेंड है तो ये दोस्तों हम लोग जो है पार्टनरशिप में, मैं आप लोगों को पता है कि मैं एक मोबाइल की दुकान में पहले काम करता था, तो ये दुकान का मालिक जो था ये ही था संजय। ठीक है, एक मिनट सर, कॉल आ रहा है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये जो है मेरे दुकान का मालिक था, तो इसके दुकान पे मैं काम करता था। ठीक है, ये मतलब सारा जो है इन्वेस्ट किया हुआ था दुकान पे और मैं सिर्फ काम करता था वहाँ पर, इंटरनेट से जुड़ी जितने भी काम होती है। ठीक है, तो ये है संजय मेरा शॉप का पार्टनर। तो मैं जब यूट्यूब पे मेरा सक्सेस हो गया तो मैं तो मतलब छोड़ दिया दुकान चलाना, तो ये भी अभी दुकान चलाना छोड़ दिए हैं। बोलता है कि मजा ही नहीं आता, तुम नहीं है दुकान पे तो मुझे इंजॉय ही नहीं आता है। तो चलिए इसके साथ चलूंगा अभी मतलब बाइक को लेने के लिए। तो ब्लॉग को देखते रहिए, कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, रोड में जाते वक्त एक फाटक पड़ता है, आप देख सकते हो रेलवे का। तो अभी जो यहाँ पे गेट बंद है तो कुछ देर के लिए रुकना होगा, फिर ट्रेन पार होगी इसके बाद ये खुलेगा, उसके बाद ही जाएंगे। मतलब ये हमेशा से बंद ही रहता है, जब ही आते ना संजय, जब आते तब बंद रहता है, टाइम यहाँ पे 5-10 मिनट मतलब लेट होता ही है, आप देख सकते हो। तो फिर देखते हैं कब तक ट्रेन पार होगी, फिर यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, बने रहिए ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुका हूँ शोरूम पे, ये आप देख सकते हो, ये है TVS का शोरूम, ये गाड़ियाँ लगी हुई है। तो मैं जो हूँ व्हाइट कलर का अपाची लेने वाला हूँ, रेड बीट वाला, मेरा संजय खड़ा है यहाँ पे। और ये जो है न्यू मॉडल का अपाची है, बट ये मैं ले नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा हेवी है ये, ब्लैक एंड रेड। ये न्यू मॉडल वाला है, मैं ओल्ड मॉडल वाला ही लेने वाला हूँ। तो देखते रहिए, चलते हैं, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है मैंने बाइक चॉइस कर ली है और वो जो है अंदर में पॉलिश हो रहा है एंड कुछ कुछ सामान जो है उसका फिटिंग हो रहा है, लेग गार्ड ये सब। तो चलिए दिखाते हैं कौन सा बाइक है और किस तरह से इसका फिटिंग का काम हो रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ले लिया है मैंने बाइक, वो रहा मेरा अपाची 160। तो ये वीडियो जो है 2 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, इसमें देख सकते हो पूजा वूजा सारा कंप्लीट हो चुका है बाइक का। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला था 2 दिन तक, तो मैं जो हूँ इसको 2 दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये रहा मेरा बाइक, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह का है बैक कैमरे से। ठीक है, फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मेरा बाइक ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने लिया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है चलाने में भी, 160 cc का है। और देखते हैं इसका माइलेज वाइलेज क्या देता है, ये तो मैंने चेक किया है तो लगभग 45-50 का दे देता है। और रीज़न ये है कि हमारे यहाँ का जो है सड़क जो है रोड
ये भी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अगर ये अच्छा प्लेन रोड में अगर चलेगी तो हो सकता है इसका माइलेज भी ज्यादा मिलेगी। तो कुछ इस तरह का बाइक था, तो मेरा जो है ये भी एक सपना था, ये भी पूरा हो चुका है आप लोगों की वजह से, तो धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को, ब्लॉग को यहीं पे छोटे से ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।